ईरान बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, इसराइली इंटेलिजेंस का दावा। ये हमला आइंदा चंद रोज़ में हो सकता है। इसराइली मीडिया, इसराइली वजीर दिफा ने अमरीकी हम मनसब को टेलीफोन पर खदशात से आगाह कर दिया। इसराइली वजीर दिफा ने अमरीकी हम मनसब को टेलीफोन पर खदशात से आगाह कर दिया। अमरीका ने गार्डियन मिसाइल सब मीज़ाइल को फौरी तौर पर मशरकी वस्ती रवाना कर दिया। तैयार बरदार जंगी बहरी जहाज की जल्द अज जल्द तैनाती का हुक्म दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने दावा किया कि ईरान बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तल अबीब पर बराह रास्त हमले का फैसला कर लिया गया है और यह हमला आइंदा चंद रोज में हो सकता है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है कि ईरानी सदर और पासदार ने इनकलाब के हमले के हवाले से राय मुख्तलिफ है। ईरानी सदर शदीद जवाबी कार्रवाई से गुरेज चाहते हैं, जबकि पासदार ने इनकलाब वसी पैमाने पर हमले का इरादा रखती है। दूसरी जानब इसराइली वजीर दिफा ने अमरीकी हम मनसब लॉर्ड ऑस्टिन से टेलीफोन पर राबिता किया और ईरान की फौजी तैयारियों के हवाले से आगाह किया। अमरीकी वजीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन ने मामले की संगीन पर मशरकी वस्ती में जल्द से जल्द मिसाइल बरदार आबदोज और इब्राहिम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया। पेंटागन के मुताबिक तैनात की जाने वाली आबदोज USS जॉर्जिया एक एटमी आबरोज है। वर्सी की जानिब हमास ने जंगबंदी मुजाकरात में अपना वफ न भेजने का फैसला किया। हमास ने मुजाकरात में वफ की शिरकत को 2 जुलाई को तय पाने वाले मुहाइदे पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया।